ओम शांति। आज बाबा के 2/12/2021 के मधुर अनमोल साकार महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है देही अभिमानी बनने के। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाबा से लव जुटेगा, प्यार बढ़ेगा। आत्माभिमानी बनने से ही प्यारे बाबा से प्यार होगा। फिर बाबा ने देही अभिमानी बनने वाले बच्चों की मुख्य रूप से चार निशानियां, चार फायदे बताए, जिसमें बाबा ने कहा कि पहली बात, एकदम क्या बन जाएंगे जब देही अभिमानी बन जाएंगे, पहली बात खुशी रहेगी, दूसरी बात धारणा अच्छी होगी, और तीसरी बात बाबा ने कहा विकर्म विनाश होंगे, चौथी बात सच्चे बाप के साथ सच्चे रहेंगे, क्योंकि बाबा सच्चे हैं और बाबा सच खंड का मालिक बना रहे हैं, तो सच रहना बहुत बहुत जरूरी है। सत्य आत्मा है, आत्म अभिमानी रहेंगे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सत्यता आती रहेगी। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। क्वेश्चन, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? आंसर है, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहें, खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वो समझते हैं हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। सच्चे बच्चे देही अभिमानी बन बाबा को कितना याद करते हैं वो अपनी जांच करते हैं, चेकिंग करते हैं। चेक एंड चेंज, पहले चेकिंग करते हैं फिर अपने को चेंज कर लेते हैं, देही अभिमान की बजाय देही अभिमानी बनते हैं। गीत के बोल हैं, ना वह हमसे जुदा होंगे, जो कल गीत था वही आज भी है। ओम शांति, ये किसने कहा ना वो हमसे जुदा होंगे, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रही हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। सबको बाबा कहते हैं, सामने वालों को, दूर बैठने वालों को, कि देही अभिमानी भव। ये जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं, देही सहित देही के सब संबंधों को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है, आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आँखों से देखने में नहीं आती हैं, उनको दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी तो है ना, तो समझ नहीं सकते कि यह क्या चीज है
बड़ी चीज तो है ही नहीं, आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसी की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम अपने को आत्मनिश्चय करो, हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं, यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। पिंड अर्थात शरीर जब तैयार होता है गर्भ में, तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है और चेतनता आ जाती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है। वह कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, ये बड़ा वंडर है। 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इतनी सूक्ष्म आत्मा जो देखने में भी नहीं आती, तो इसलिए बाबा ने कहा ये वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देही अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्मा ही शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है, फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका आदि आदि। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सत्युग में नेचुरल ब्यूटी है, कोशिश करने वाली है, प्योरिटी की अट्रैक्शन होती है, यहाँ की तरह नहीं। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं, वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते। तो वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं, पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वह जरा भी पता नहीं है। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। यह तो बिल्कुल ठीक है, रस्ता और रचना को कोई जानते नहीं, अगर जान जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देही अभिमान में रहने कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं, देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना सब रिगार्ड रखेंगे, बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे। अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापिस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए यह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको
माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाप ने कहा है मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो, हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा, ना कोई की आत्मा को ना भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को ही करना है, वर्षा भी एक बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं, फिर सत्युग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। महा आत्माभिमानी होंगे, यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रही हो, अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो, जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना। अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। तो बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ना, तो देही अभिमानी बनने से तुम देही अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो हे पतित पावन, हे ज्ञान सागर आदि आदि। बाकी तो सब भक्ति के सागर हैं, भक्ति मार्ग में कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे, उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते ही नहीं। पुकारते हैं परंतु ये समझते थोड़ी हैं कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएगा ना। मेरा रूप तो निराकार बिंदी है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आऊँगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे, वंडर है ना। हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं भी स्वयं नारायण को बहुत प्यार करता था। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ आदि आदि। अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी जरूर खातरी करेंगे ना। गोया हम अपनी खातरी करते हैं, बाबा भी कहते थे हमारी खातरी करते हो। तो तुम बच्चों ने देखा तो है ना, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये दूसरा कोई समझा ना सके, सिवाय शिव बाबा के और कोई नहीं समझा सकता। तुम ही समझा सकते हो, फिर जो तुम समझे हो औरों को समझाते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। तो बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अभी फिर लगेगी। इस समय यह किसी को भी पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप हैं, वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो न सके, उसने तो सत्युग में एक जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट भी बदल जाती है। तो बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं यह भी बाप ने समझाया है।
और कहते हैं, तुम आधा कल्प देही अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी बनो, तुम आत्मा हो। मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, कौन है वो गोप गोपी, ये अंत की बात है। जब इम्तिहान की रिजल्ट नज़दीक आती है, जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वो ज़रूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं, हम इतने होशियार नहीं हैं, परंतु देही अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए ना, ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं, किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते ही नहीं तो उन्होंने का क्या हाल होगा, अंत में फिर क्या हाल होगा। देही अभिमान मुर्दा बना देता है, तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु वह तोते माफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहें, धारणा भी हो, खुशी भी चढ़े, योग बिगर विकर्म विनाश हो न सके, इसलिए योग बहुत बहुत जरूरी है। याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, इसलिए बाबा के साथ बहुत लव होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भाव, आधा कल्प देही अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितनी वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ, बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे हम कितना याद करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देही अभिमान के कारण आत्म अभिमानी गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग मशहूर है, यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। तो बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको कौन सी बात की खुशी रहनी चाहिए? हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं, ये खुशी सारा दिन रहनी चाहिए। अब बाबा की मत पर तो ज़रूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं अगर कुछ उल्टा भी हो गया आप ही सुलटा बना देंगे, राय देंगे, फिर जिम्मेवार भी हैं, बाबा जिम्मेवार हैं, हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए बाबा भी सदैव कहते हैं तुमको शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कहा हम भी सुन लेते हैं। तो डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है।
हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं, तुम भी उनको याद करते हो, यह भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, किसके पास आए हो? जौहरी शिव बाबा दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह हुआ ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो रोज रोज? ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की प्रकाशता आ जाएगी तो आप ही समझेंगे ये भक्ति और ये ज्ञान। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापिस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक बाप ही है। बाबा आता है, ज्ञान देता है, आत्माओं का श्रृंगार करता है, फिर वापिस ले जाता है। भक्ति से कोई वापिस नहीं गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ब्रह्मा बाबा भी अगर राय देते हैं तो शिव बाबा की श्रीमत समझ करके उस पर चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरी पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस में तत्पर रहना है। देही अभिमान छोड़, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपनी पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा में और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। तपस्या की पॉइंट है, कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। वो तब होगा जब सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करेंगे, बॉडी कॉन्शियस से नहीं। तो कर्मातीत बनने का अर्थ है कर्म करते हुए भी उस कर्म से न्यारे रहें, उसके बंधन में नहीं बंधे। तो फंसने से न्यारे, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य है मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। कितना भी बड़ा कार्य हो ऐसा लगेगा काम नहीं, लेकिन ये हम खेल कर रहे हैं और खेल खेल में खुशी होती है, हल्के रहते हैं, आनंद आता है। अच्छा, ओम शांति।